वेल गाइस, तो फाइनली AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट डेब्यू हो चुका है। गाइस, आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर द नेचर बॉय रिक फ्लेयर ने AEW पर डेब्यू कर दिया है। गाइस, AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर द आइकॉन स्टिंग और डार्बी एलन हमें रिंग के अंदर देखने को मिलते गए। यहां पर टोनी शिवानी स्टिंग और डार्बी एलन को लेकर बात करते गए और गाइस यहां पर स्टिंग ये कहते गए कि 4 साल पहले जब टोनी खान ने स्टिंग को AEW को ज्वाइन करने का ऑफर दिया था तो गाइस स्टिंग ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो उनके करियर को AEW के अंदर ओवर करेंगे। बट गाइस, पिछले 4 साल में AEW में जो कुछ भी हुआ है उन सभी चीजों के लिए स्टिंग यहां पर टोनी खान को थैंक यू करना चाहेंगे और वो यहां पर उनके करियर को ओवर करने के लिए अब यहां पर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वेल, यहां पर स्टिंग के इमोशनल प्रोमो के बाद टोनी शिवानी फाइनली टोनी खान के गिफ्ट को अनवील करते गए और गाइस टोनी शिवानी ये अनवील करते गए कि टोनी खान ने डायनामाइट के ऊपर स्टिंग के लिए जो गिफ्ट लाया है वो और कोई नहीं बल्कि 16-time वर्ल्ड चैंपियन द नेचर बॉय रिक फ्लेयर है। और गाइस, इसके बाद फाइनली आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ऑफिशियली रिक फ्लेयर उनका डेब्यू करते गए। यहां पर क्राउड की तरफ से रिक फ्लेयर को लेकर हाई ओवेशन आता है और इसके बाद रिक फ्लेयर और स्टिंग के बीच में हमें यहां पर जबरदस्त इमोशनल सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर ये दोनों एक दूसरे के साथ अपने हिस्ट्री को लेकर बात कर रहे होते गए और यहां पर इन दोनों का सेगमेंट चली रहा होता है। तभी क्रिश्चियन केज अरीना में अराइव हो जाते गए जिसके बाद कि क्रिश्चियन केज स्टिंग और रिक फ्लेयर को मॉक करने लगते गए और गाइस क्रिश्चियन केज के इन दोनों को मॉक करने के बाद क्रिश्चियन केज AEW के अंदर हमें यहां पर स्टिंग को 6-man टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करते हुए दिखाई देते गए और गाइस क्रिश्चियन केज ये कहते गए कि वो AEW के अंदर स्टिंग डार्बी एलन और उनके मिस्ट्री पार्टनर के साथ 6-man टैग